सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 या 6:30 के बीच अभी टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी ग्राउंड, ढालपुर ग्राउंड अपने रूम से जा रहा हूँ। अभी हर बार की तरह ही जा रहा हूँ, राहुल आज नहीं जा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है और बाकी दीपक और पंकज वो भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं अभी अकेले जा रहा हूँ। और बाकी आज का प्लान कुछ ऐसा है, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज है मेरे दोस्त का बर्थडे, तो ऐसे ही छोटा मोटा बर्थडे हम थोड़ा सा सेलिब्रेट उसका करेंगे। अभी नीचे केक कटिंग का प्लान होगा शायद, तो कुछ का बर्थडे है, बंजार से है वो, मेरे साथ ही आईटीआई करता है, आज उसका भी बर्थडे थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा सा जो भी छोटा मोटा हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे, और इनको भी बोला था तो ये लोग नहीं आ रहे हैं, और जतिन आएगा और भी कुछ फ्रेंड आएंगे उनके अंकुश के, जिनको वो इनवाइट करेंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया हूँ। तो अभी बहुत टाइम हो गया था ब्लॉग लाए हुए, और ऐसे ही अभी बहुत आराम आराम से ब्लॉग आते रहेंगे बहुत टाइम टाइम बाद, क्योंकि अभी हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि 1 और 2 तारीख को हमारे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं और 8 से 22 तक किसी भी एक दिन हमारा जो है वो CVT का एग्ज़ाम हो जाएगा। CVT का एग्ज़ाम 4 सब्जेक्ट इकट्ठा ही होगा एक दिन, किसी भी दिन हो सकता है, हो सकता है मेरा अलग हो और मेरे जो रूममेट हैं इनका अलग हो, सकता है हम चारों का अलग अलग दिन हो या फिर एक साथ ही हो। तो अभी यार कॉल आ रही है जतिन की, तो मैं चलता हूँ नीचे और आपको नीचे दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोग्राम हमारा नीचे बनता है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। मैं पहले सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ ढालपुर ग्राउंड में और यहाँ देखिए बहुत चहल पहल है। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ बर्थडे बॉय से, फाइनली मेरे साथ बर्थडे बॉय। हेलो गाइस, आप सभी विश करें इसको भाई कमेंट के माध्यम से। थैंक यू। ये है तो आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? दोस्तों यहाँ देखिए अभी लगभग शाम के 8:30 बज रहे हैं और हम देखिए यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, काफ़ी लेट हो गया यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम, क्योंकि इनके दोस्त थोड़े से लेट आ गए अंकुश के। बाकी मैं अभी फ्लैश के साथ थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, अंधेरा अंधेरा हो रखा है, और पीछे देखिए जो आपको ये पीछे लाइट दिख रही है यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये बर्थडे सेलिब्रेट करें, इसके फ्रेंड भी आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
अभी मैं पहुंच चुका हूँ रूम में। कुछ इसी तरह का था आज बर्थडे का, जो भी था छोटा मोटा मैं सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे जिस भी तरह से किया। तो भी क्या है कि थोड़ा वहाँ पर अंधेरा भी था, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, अंधेरा जैसा था वहाँ पर, कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो बाकी ऐसा ही था कुछ, और फिर टाइम भी बहुत कम था क्योंकि उसके जो दीदी वगैरह है ना तो वो भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जा रहे हैं। साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर रूममेट एक भी नहीं है मेरा, पता नहीं कहाँ गए हैं, शायद दुकान को गए होंगे पर पता नहीं कहाँ गए। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वो दुकान को ही गए होंगे, तो आने ही वाले थे। तो अभी भी मैं खतरनाक कर खाना बना रहा हूँ, तो मेरे भी यहाँ पर पहुँच के देखा तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो दाल है चपाती बनाने पर करता हूँ। आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। बाकी मेरे एग्ज़ाम आपको पता ही है स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेट आएंगे, लेट तो नहीं बोल सकते नहीं, 10-12 दिन बाद आ जाता है, 2 हफ्तों बाद ब्लॉग आ जाएगा। पूरा मंथ या 1 महीने तक शायद ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, लेकिन बीच में हो सकता है कि कभी फ्री हो जाऊँ तो एक आधा ब्लॉग लेकर भी आ जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।